मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार की रात नई दिल्ली से रायपुर लौटे। दिल्ली प्रवास से रायपुर लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए दो दिवसीय दौरे को विस्तार से बताया। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों पर अवगत कराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक में भी शामिल हुआ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सीएम साय ने हरियाणा चुनाव में जीत पर पीएम मोदी सहित भाजपा नेतृत्व को बधाई दिया। हाँ, दो दिवसीय दिल्ली प्रवास में थे और इन दो दिनों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किए और उनको छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार जो काम कर रही है उसके विषय में अवगत कराए और नक्सलवाद की लड़ाई में जो सफलता मिल रही है उसके विषय में अवगत कराए और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी उन्होंने बैठक ली और उनको भी अवगत कराया कि पिछले समय जब उन्होंने रायपुर में समन्वय समिति की बैठक ली थी उसके बाद हमारे सुरक्षा के जवानों में उत्साह का संचार हुआ था और फिर नक्सलवाद की लड़ाई में भारी सफलता मिली और उन्होंने बैठक में छत्तीसगढ़ की तारीफ भी की और आदरणीय पीयूष गोयल से आज मुलाकात हुई थी हमारे जो उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं और उनसे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र में कैसे विकास हो इसके लिए उनसे चर्चा किए और यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी उनसे मांग किए, सहानुभूतिपूर्वक बात किए हैं। आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास के लिए उनके तरफ से भरपूर सहयोग मिलेगा। अब हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया और पिछले दो समय के शासनकाल में 10 वर्षों में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ काम की थी उस पर विश्वास किया और लगातार तीसरी बार जनादेश भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता ने दी है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई और वहाँ के जितने विजयी हमारे विधायकों को भी बहुत बहुत बधाई। अब देखिए वहाँ जो भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया है, धारा 370 हटाने का काम, ट्रिपल तलाक बिल पास करने का काम, वहाँ जो शांति बहाल हुआ है, पहले वहाँ पर पत्थर फेंकते थे और पहली बार वहाँ पर चुनाव भयमुक्त और शांतिपूर्वक निपटा है, इसमें भारत सरकार का योगदान है, ये हम लोगों के लिए बड़ी जीत है।